हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का हलवा। विंटर आ गया है और मूंग दाल का हलवा ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मूंग दाल का हलवा बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दाल ले ली थी। हलवा बनाने के 2 घंटे पहले मैंने इसको पानी में भिगो कर रख दिया था, अच्छे से धो के भिगोया था मैंने। और अब इसको मैं एक छन्नी की मदद से पानी और दाल अलग कर लूँगी। ये देखिए, मैंने एक छन्नी ली है और उसमें मैंने ये दाल डाल दी, जिससे इसका पानी अलग हो जाएगा। अच्छे से पानी निथार लूँगी मैं इसका। ये देखिए, पानी पूरा अच्छे से निथर जाए। उसके बाद हम लोग एक कॉटन का कपड़ा या दुपट्टा, जो भी आपके पास हो वो लेंगे और उसमें इस दाल को अच्छे तरीके से इसे फैला देंगे। देखिए, अच्छे से फैला के और कपड़े की मदद से हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। उसके बाद पानी जो है वो सूख जाए, थोड़ी देर 5-1 मिनट रख देंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। उसके बाद मैंने पैन चढ़ाया है, इसको मैं रोस्ट करूँगी। जो दाल हमने सुखाई है उसको मैं रोस्ट करूँगी 5 से 10 मिनट लगभग, मीडियम फ्लेम पर या धीमा मीडियम, दोनों फ्लेम चलेगा। तेज़ नहीं करना है, नहीं तो दाल जलने का खतरा रहेगा। और आप लोग इसको कंटिन्यूसली चलाते रहें, बीच बीच में छोड़ना नहीं है या फिर इधर उधर नहीं जाना है छोड़कर। ध्यान रखना है दाल को जब दाल हम रोस्ट कर रहे हैं तो। ये देखिए, हमारी दाल लगभग हो गई है। देखिए, हमारी दाल लगभग भुन गई है। इसके बाद मैं मिक्सर में इसको पीस लूँगी। आप लोग चाहें तो थोड़ा दर दरा भी पीस सकते हैं, मुझे बिल्कुल फाइन पाउडर चाहिए था इसलिए मैंने बहुत बारीक पीसा है। ये देखिए, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा इसका पेस्ट बहुत फाइन बना है। देखिए, इसके बाद मैं कढ़ाई गर्म करूँगी। इसमें मैंने अभी आधे कप के करीब घी डाला है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा घी और ऐड किया था, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। मूंग दाल के हलवे में घी तो आप लोगों को पता ही है, घी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन एक साथ पूरा घी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 कप सूजी ऐड करी है और इसको मैं घी में अच्छे से मिला दूँगी ताकि पूरी तरीके से घी में मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसको 5 से 6 मिनट तक हम इसको चलाते रहेंगे धीमे फ्लेम पर, फ्लेम को तेज़ नहीं करना है। ये देखिए, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें जो हमारा पाउडर है मूंग दाल का, पिसी हुई दाल है, उसको ऐड कर देंगे। घी को एक साथ नहीं डालना है, घी को बीच में थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जब जब घी डाला है तो मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, तो घी आप लोग डालते रहें बीच बीच में। जैसे ये भी हमने जो भी घी डाला था, मूंग की दाल का पाउडर डालने से घी पूरा उसमें सोख लिया है। तो अभी इसको चलाते रहना और इसको धीमी आँच में भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्लेम को धीमा ही रखना है, बीच में आप चाहें अगर तेज़ भी कर रहे हैं ना तो कंटिन्यूसली आप चलाते रहें उसको, ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो जल जाएगी दाल हमारी और फिर हमारे हलवे में अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाएगा, जला हुआ सा फ्लेवर आएगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, हमारी जो दाल का कलर है वो धीरे धीरे ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने लगा है। ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारी दाल भुन गई है। और इस बीच मैंने इसमें 2 बार घी ऐड किया है, आधा आधा कप, मैं इसीलिए बोलकर बता रही हूँ। उसके बाद मैंने आधा कप इसमें शुगर ऐड करी है, मुझे शुगर कम पसंद है इसलिए मैंने आधा कप ऐड करी है। आप पूछें तो एक कप पूरा फुल ऐड कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद फिर यहाँ पर मैं 300 ग्राम के करीब दूध मिलाऊंगी इसमें। मैंने छोटी कटोरी में दाल ली थी इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 300 ग्राम के करीब ही दूध मिलाया है। अगर आप लोग ज़्यादा ले रहे हैं तो उस हिसाब से दूध की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। और आप लोग चाहें तो इसमें खोवा भी मिला सकते हैं। अगर आपको वह नहीं भी मिलाएंगे तो भी आपका हलवा बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा, शादियों में जो आप खाते हैं उस टाइप का टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 इलायची कूट के रखी थी। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने इलायची कूटी हुई डाली है। इसको फिर हम ऐसे चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, हमारा जो हलवा है वो घी छोड़ने लगा है। इसको तब तक हमें अच्छे से मिक्स करना है तब तक हमारा हलवा घी ना छोड़ने लगे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का ये घी छोड़ने लगा है, बहुत ही अच्छा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये देखिए, ऑलमोस्ट मेरा हलवा तैयार हो गया। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ये देखिए, ये मिक्स कर दूँगी इसको अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हलवा अच्छे से पक गया है। इसकी निशानी ये है क्योंकि इसके अगल बगल से घी छोड़ना शुरू हो गया है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पर। इस हलवा पक गया है, इसको जानने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि जब वो हमारा हलवा घी छोड़ने लगे, दैट मीन्स कि हमारा हलवा अच्छे से पक गया है। ये देखिए, यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद, मेरे पास थोड़ा सा कोकोनट का कतरन रखा हुआ था, आप लोग चाहें तो उसमें बूरा भी डाल सकते हैं।
पर मेरे पास कोकोनट कतरन था तो मैं वो ऐड करूँगी यहाँ पर। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से घी निकल रहा है, मेरा हलवा बहुत ही अच्छे से पक गया। और मैं यहाँ पे अब कोकोनट का कतरन ऐड करूँगी। और चलिए हमारे हलवे को सर्व करते हैं। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही ईजी और इंस्टेंट रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग भी प्लीज़ बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और घर पे बनेगा तो बहुत ही हाइजीन रहेगा, सबको अच्छा लगेगा। कोई भी गेस्ट आए, विंटर आ गए हैं तो आप लोग ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।